वेसी जो है बीजेपी के असली पिट्ठू हैं। बीजेपी की बात पर कोई भरोसा नहीं है, ये बेईमान आदमी है। सरकार के सारे कारनामे हैं बीजेपी के, ये कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अखिलेश की अच्छी है, वही सबका साथ सबका विकास करती है। लेकिन अखिलेश की सरकार में पूरा पैसा मिला, पूरी वन यूपी में कुरेशी बिरादरी ने अपना अखिलेश सरकार को समर्थन दिया। अखिलेश बढ़िया है, मजदूर आदमियों का साथी है। नहीं, वेसी के साथ नहीं है, हम अखिलेश का साथ हैं। वेसी तो भगाने के लिए आ रहा है, ये तो मुस्लिम समाज की वोट काटेगा और कुछ नहीं। अखिलेश जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, किसी मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे काम नहीं करे जितने विकास अखिलेश ने करा है। अखिलेश यादव हमारे नेता है, आगे को भी वही नेता रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप, मैं हूं प्रफुल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, यानी 2022 में सत्ता का हस्तांतरण होता है या सत्ता बीजेपी के हाथ में रहती है, ये निर्णय होने वाला है। और हम आज गाजियाबाद में ही हैं, और गाजियाबाद में आज हमारा अंतिम दिन है। कहते हैं गाजियाबाद की खूबसूरती भी अजीब है, और गाजियाबाद का एक अलग ही इतिहास है, यहाँ पे अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप जिला गाजियाबाद अगर मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि कभी बल से तो कभी छल से कितनों की लंका ढाई है। इस शहर की हवा में भी अजीब सी गर्माई है, अब पुराने पैतरों को छोड़ अब नई अक्ल की लड़ाई है। यानी अब पुराने पैतरे हट गए हैं और नई अक्ल की लड़ाई हो गई है, और उस लड़ाई में राजनीतिक पार्टियां अपने को रिझाने की, अपनों को साधने की, जो छोटी पार्टियां वो तमाम अपनी वजूद तलाश करेगी। मायावती फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेगी, कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश करेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करेगी। और ये मुरादनगर है, मुरादनगर विधानसभा है, और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, और कहा जाता है कि मुस्लिम वोट जिधर जाते हैं उनकी सरकार बननी तय होती है, और सपा बसपा हो या कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का वो कहे उनके साथ हमेशा समर्थन भी रहा है। और 2014 के बाद से थोड़ा समीकरण बदला, कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी 2014 में बढ़िया से सरकार बनती है, 2019 में भी सरकार बनती है बीजेपी की, तो वो वोट कौन है। लेकिन आज इनसे जानेंगे कि 2022 में ये वोट कहां जाएगा, किनको ये लोग अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। शुरुआत आप ही से करते हैं, नाम क्या है? सलीम कुरैशी। सलीम कुरैशी जी, 2022 में क्या मूड है, क्या चाहिए इस बार? पूरी वन यूपी में कुरैशी बिरादरी ने अपना अखिलेश सरकार को समर्थन दिया। आने वाले 2022 के चुनाव में एक कुरैशी समाज और मुस्लिम समाज एक तरफा वोट मिलेगा, और अब के जो है सरकार परेशान है सरकार से इससे, और मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज का भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को परेशानी है, और किसान कोई एक समाज का नहीं है, किसान हर समाज में है, मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है, सब किसान जो है अखिलेश के समर्थक में है और उसी को अपना वोट करेंगे। ये कह रहे हैं कि 2022 में मुस्लिम समाज आप आएंगे, चलिए 2022 में बोल रहे हैं कि अखिलेश को ही वोट देंगे। और एक यहाँ पे पहले से भी बसपा की सीट रहा है, 2017 में बदलता है, तो बसपा को छोड़ के फिर ये अखिलेश की तरफ शिफ्ट होना? अखिलेश के ही साथ रहेंगे, आपके मुस्लिम का रुझान जो है अखिलेश के ही साथ। आखिर अखिलेश के साथ क्यों है, क्यों, क्या है अखिलेश से यादव में? अच्छा विकास करा है, और सबसे पहली बात तो ये है जो बीजेपी की सरकार चल रही है मुसलमान को चाहती नहीं है, दो राय देखती है, तो इसलिए हम तो उसके साथ रहेंगे जो हमारे भलाई करे। तो अखिलेश के साथ हैं हम, वो हमारी देखभाल करता है, सही हमारी कौम की, हमारी मुस्लिम समाज की सुनवाई करता है। किसान आंदोलन की बात आई थी, किसान आंदोलन के हम साथ हैं, किसान सभी बिरादरी के हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हम किसान के साथ। जमीन तो होंगे आपके पास, खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत, जो भी किसान है। तो इस बिल से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी खत्म नहीं हुई है, MSP मिलेगा, तो फिर ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? आप लोग भी खेती करते होंगे, तो खेती में क्या नफा नुकसान थोड़ा सा बताइएगा। बीजेपी की बात पर कोई भरोसा नहीं है, ये बेईमान आदमी है, इनका पता कुछ नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, तो इन पर हमें विश्वास। थोड़ा नफा नुकसान बताइए, गन्ने का भुगतान की भी मैं बात करती हूं, भी नहीं हो पाता इनसे पूरा, नहीं होता ऐसे पहले वाली सरकार में, ठीक थी इससे पहले सरकार, बढ़िया पैसा मिल रहा था, क्या बढ़िया पैसा मिल रहा था पहली सरकार में।
मैं आज ही योगी जी का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि 1,40,000 के करीब किसानों का भुगतान हुआ है गन्ने का। ये बोलते कुछ है होता कुछ है, करते है नहीं, लेकिन अखिलेश की सरकार में पूरा पैसा मिला। और यहाँ पे बीजेपी की सरकार में तमाम तरह की धारणाएं बनी है मुसलमानों को लेके, लेकिन मुसलमान कैसे देखते हैं उस सरकार को? परेशान है इस वक्त, परेशान है। क्या परेशानी है थोड़ा बताएंगे? कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, बस यहाँ परेशान। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकदम कानून व्यवस्था कानून है, और अच्छा चलिए खड़ी चढ़ी ज्यादा नहीं आऊंगा, सरकार कैसी है 2022 में, क्या चाहिए? ज्यादातर तो कुरैशी बिरादरी को तंग करा, कारोबार बंद कर दिया। कैसे तंग किया बताइए? तो ये तंगी है, मांस वाच का दुकान बंद करा दिया, पुलिस तंग कर रही है, मार्केट बंद करा दी, मुखर्जी सलाटर से माल लाओ, फलाना करो, ये करो, पर्ची दिखाओ, बहुत उलझन है। पुलिस परेशान करती है, किसी को खामो का गौ कसी पर रख देती है, किसी को किसी उसमें मार देती है, इस तरीके के माहौल है। एक चीज है आपसे बात करूंगा मैं, कहा जा रहा है कि आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हम अखिलेश के पास अखिलेश को वोट करेंगे, लेकिन वही अखिलेश पे एक इल्जाम लग रहा है कि आजम खां के मुद्दे पे शांत रहे, क्या कहेंगे इसका? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान जेल में है, जेल से आएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में रहेंगे वो। बाकी ये सरकार के सारे कारनामे हैं बीजेपी के, ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अखिलेश की अच्छी है, वही सबका साथ सबका विकास करती है। यूनिवर्सिटी तोड़ दिया जाता है, अखिलेश बोलते भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम सुनो जी जी, काफी सुर्खियों में रहा है। तोड़ने की तो ऐसी बात है, उसके लिए तो क्या नाम है, योगी सरकार है, राज है, मुस्लिम के ऊपर उसका विरोधी कर रहे हैं ना, इसलिए तो उसे जेल में रखा है। ऐसा क्यों लगता है कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है? काम मुस्लिम वालों के लिए नहीं हुआ है देश, मुस्लिम के लिए कहाँ होता है काम? मुस्लिम के लिए कहीं भी नहीं हुआ। राशन कार्ड है, राशन मिला है, पुराना है, नया नहीं बना। अच्छा किस तरीके से भेदभाव किए जाते हैं, कैसे परेशान किया जाता है, थोड़ा सा बताइए। मुसलमानों को किसी मुद्दे पे रख देते हैं, कभी क्या नाम है ये जो क्या नाम बाबरी मस्जिद का मुद्दा है इस पे रख देते हैं, बहुत से और मुद्दे हैं जो मुस्लिम के ऊपर रख देते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यूथ है, आप बताइए 2022 में कौन मुख्यमंत्री? अखिलेश में क्या है? अखिलेश बढ़िया है, मजदूर आदमियों का साथी है, योगी इन्होंने इस पॉल्यूशन पे खड़ा कर दिया है, मजदूर आदमी की खुदकुशी कर रहे हैं, लोग बाग मुसलमान के नाम पर मार रहे हैं, सहारनपुर में देख लो, वहाँ देख लो चूड़ी वाले को कल परसों मारा है, ये देखिए आप भेदभाव तो ये कर रहे हैं ना। इस सरकार में तो लाला लोगों के मजे आए हैं, जो तेल 80 रुपए था 180 रुपए बिक रहा है। ये इनका कहना है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन दूसरा ये भी पहलू देखा जाता है कि मॉब लिंचिंग या दंगे फसाद कम हुए, सही बात है? नहीं, दंगे फसाद तो इन्होंने जैसे के सफर कर रहे हैं, पिछले वाले को ताल लिया, यहाँ एक पिलकवे के पास एक गांव है, वहाँ दो शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उसे मार दिया, उस पर गौकशी का केस धर दिया। जब वो वहाँ पहुँचा पिलकवे में रिपोर्ट करने के लिए, तो मानने वाले उल्टे पिलकवे पहुँच गए थाने में, उसने कहे जी इन लोगों ने मोटरसाइकिल पर से मेरे साथी को उतार के मार दिया, तो उस पर गौकशी का केस धर दिया था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है जी। तो ऐसी कई घटना हुई हमारे यूपी के अंदर, जो लोगों को बेगुनाह लोगों को मारे गए, सिर्फ इस बेस पे ही मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में भले ही कहा जाता है कि अभी दंगे कम हुए हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग में बढ़ोतरी हुई है, तमाम केसेस पड़े हैं आपके सामने देख लेंगे, दादरी से शुरुआत होती है, उसके बाद कई घटनाएं ऐसी घटित होती है, हाल फिलहाल में एक बरेली की घटना घटित हुई जिसको में एक युवक को मारा जाता है। खैर उस बात को छोड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और एकदम सियासत गर्मा गई है कि मुस्लिम ओवैसी के तरफ जाएंगे। नहीं, वैसी के साथ नहीं है, हम अखिलेश के साथ हैं, वैसी तो भगाने के लिए आ रहा है, ये तो मुस्लिम समाज की वोट काटेगा और कुछ नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्या है? ओवैसी साहब बोलते हैं मुसलमानों की कयादत करते हैं, राजनीति अखिलेश जी ने इतने अच्छे काम करे हैं,
किसी मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे काम नहीं करे जितने विकास अखिलेश ने करा है। कोई भी मुख्यमंत्री इतना बढ़िया नहीं आया जितना अखिलेश है। अखिलेश ने पूरी यूपी के अंदर चांदनी चौक बना दिया है, इतने काम करे हैं, इतने विकास करा है अखिलेश जी ने। नौकरी है लोगों की, दुनिया भर के रोड बनवाए, पुल बनवाए, दुनिया भर के चारों तरफ बाईपास निकलवा दिया अखिलेश सरकार ने। और वही ओबीसी से क्यों मुसलमान समाज जो है बार बार जोड़ा जाता है ओबीसी से, लेकिन मुस्लिम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या कमी है? ओबीसी पैसे देता, भड़क में भाजन देता, अन्य भाजपा ने किसे बंद नहीं करा? क्या ये भाजपा के लोग नहीं करते? भाजपा के लोग कौन करता? या सपा के लोग नहीं करते हैं? भाई सपा के मैंने कहाँ करा बताओ, बेचारों ने रोजगार दिया बताओ। अभी अभी एक मामला हुआ है कहाँ, पूर्वांचल में सपा के नेता है। नहीं हमें मालूम नहीं। खैर उस मसले पे हम और आते हैं। ओवैसी, ओवैसी हमारा मुद्दा है। ओवैसी ने बिहार के अंदर सरकार में गड़बड़ करी, बंगाल में कोई नहीं मानी उसकी, अब यूपी में आ रहा है। मुस्लिम समाज की समझ में आ चुकी है ओवैसी जो है बीजेपी के असली पिट्ठू हैं। वे भाषण ऐसे देते हैं जिससे हिंदू मुसलमान भड़काओ, यूपी में क्या हिंदुस्तान में दंगे हो। वे स्पीच जो देते हैं वो इस तरीके की देते हैं, हिंदू लोग तो जुड़ जाते हैं उनके स्पीच पे, मुसलमान उनके पीछे नहीं है। वे भाषण गलत देते हैं, वे झगड़े फसाद की बातें करते हैं। ओवैसी जो है भाषण जो गलत देते हैं, बीजेपी के हक की बात करते हैं वे मंच पे, तो इसलिए बीजेपी से हम उससे नाराज हैं। ओवैसी जी से सपा से कहीं गठबंधन हो जाए ओवैसी का तो क्या? कोई गठबंधन होगा ही नहीं उनका, लोकदल जैसे। ना ना ना, उनका किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं उनका किसी ने। अगर हो गया तो क्या होगा? लोकदल से अखिलेश का लोकदल का गठबंधन होना है, 100 के 100 फीसद होना है, ठीक है ना। हम गांव गांव शहर शहर फिरते हैं, हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी का कुछ नहीं है यहाँ। आप कुछ बोल रहे थे कि गाड़ी रोक के कुछ ये है, इन पुलिस वाले हमारा माल आता है बाहर से, पंजाब से। ये पुलिस वाले जो गाड़ी रोकते हैं ये किस चीज का पैसा लेते हैं? पूछा नहीं आपने गाड़ी क्यों रोकते हैं? कहते हैं इनकी एंट्री है स्टेट, दूसरी स्टेट की एंट्री दूसरी स्टेट में हो रही है, इसलिए पैसा दो। टोल टैक्स पे आप टोल टैक्स पे पैसे लेते हैं, उसके बाद में दूसरे एंट्री करते हैं। दूसरे एंट्री आम रोड पे जिप्सी जो हाईवे पे जिप्सी घूमती है, वे जिप्सी वाले जबरदस्ती रोकते हैं गाड़ी। अरे हम गाड़ी नहीं रोके नहीं तो अपनी गाड़ी लगाते पीछे। आप बोल रहे तो करप्शन हुआ ना, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन हो ही नहीं रहा है, कम है। नहीं जी नहीं, बहुत बदतमीज हो रही। जैसे दूध वाली भैंस है, जबकि दूध वाली भैंस और दूध वाली गाय, जब कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000, जबरदस्ती बोलो बहुत भाग रहे ना। अरे यार बोलो बोलो बात सुना। अच्छा चाचा नाम क्या है? पहले नाम पूछेंगे। नाम अकील कुरैशी। अकील कुरैशी, उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राज बोल रहे हैं, सपा है, बसपा है, तो कहाँ है आप लोग? देखो जी, हम तो ओवैसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, उधर तो ध्यान ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये सपा के साथ ही रहना। लेकिन मेन मीडिया में अगर आप लोग देखते होंगे तो दिखाया जा रहा है कि ओवैसी को वोट देंगे मुसलमान, पूरा उत्तर प्रदेश का वोट जाएगा। वो मुसलमान नहीं है जो धोखा खा जाएगा, नया उठता कुछ वैसी का। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम मिलके अगर वोट देंगे तो जीत हुआ होगी। यहाँ हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, सब भाई एक साथ मिलकर वोट देंगे, जीत भी वही होगी। ओवैसी का कुछ नहीं उठता है, के लिए कोई जगह नहीं है, वो लड़ो जाओ कितना भी लड़ लो। उत्तर प्रदेश में चुनाव में जातीय समीकरण बड़ा देखा जाता है कि ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, हर विधानसभा में, तो क्या यहाँ पे भी ये चीजें हैं, जातिवाद है? देखिए ये बीजेपी जो है जाति समीकरण देखती है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जाति समीकरण से चलती है, और अखिलेश यादव खास तौर से बिल्कुल सबको लेकर साथ चलते हैं, सेकुलर हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, और सेकुलर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज जहाँ भी है मिलकर सब अपना कैंडिडेट निकालेंगे। अखिलेश यादव की सरकार आनी है तो अखिलेश सरकार आएगी, तो हम सब लोग यहाँ, हम भी अपने कस्बे में सेकुलर हिंदू और मुस्लिम समाज मिलकर एक रहते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं सेकुलर और हम मुस्लिम हैं, सब मिलके साथ में चलते हैं और अपना चुनाव सब मिलके लड़ाएंगे और अखिलेश यादव को जिताएंगे। ये तमाम लोगों का कहना है कि अखिलेश को जिताएंगे हम, और अखिलेश ही आपके मुख्यमंत्री होंगे। आप बताइए,
नाम क्या है पहले? मेरा नाम गुल मोहम्मद कुरैशी, मुरादनगर, रावली रोड। रावली रोड। हम पुराने जमाने के समाजवादी पार्टी के भरपूर नेता है, मुलायम सिंह के जमाने के। अखिलेश यादव हमारे नेता है, आगे को भी वही नेता रहेंगे। आखिर सपा में है क्या कि मुसलमान उधर ही? नहीं, सबके लिए, ये तो भूल है लोगों की कि मुसलमानों की है, सबकी है सपा, किसान मजदूर की भी है, सबकी सपा है। ये लोगों की, गैर लोगों की भूल है कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। सबकी सरकार है, किसी एक से थोड़ी सरकार बनेगी। अखिलेश के साथ सब मिलजुल कर रहेंगे, जब भी सरकार बनेगी सबकी सरकार है अखिलेश के साथ। लेकिन एक सपा पे ये भी तो इल्जाम लग रहा है ना कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है। इल्जाम अपने अपने दौर में सब लगाते हैं, अपनी चलती में कोई कसर नहीं करता किसी पे। कोई कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, सत्ता वाला तो कुछ भी इल्जाम लगा दे किसी पे। सत्ता वाले लगा रहे हैं, जिसकी सत्ता हो किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। ये सब कुछ जो है, सब जनता साथ है, किसानों की सरकार है अखिलेश की, और सब एक धोरा हो गए, इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, अखिलेश को लावेंगे। इस सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं आप लोग? सब खुश हैं इस सरकार से। कौन से? योगी सरकार से? योगी भाई, अखिलेश सरकार से है। नहीं, सरकार तो भी योगी आदित्यनाथ की ना, बीजेपी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनकी भी सही है अपना, इनका सब एक तरफा इनकी सरकार है, तो अपनी मर्जी का काम करेंगे जो करेंगे। थोड़ा सा इधर भी हम रुक करेंगे, देखिए भागना शुरू करेंगे आप लोग। अरे अरे बोलो यार, थोड़ा हल्का। अरे बोलिए आप, ऐसे भागे आप ही से शुरू करें। अरे सपा आपका किसका? बोलिए क्या सवाल? ये सपा का है, पूरे लोग का समर्थन सपा का। अपनी अपने आदमी का माता है जिसको वोट दे। आप कहाँ है? अब इलेक्शन आने दीजिए 2022 का, देखते हैं। होगा ना, मूड चेंज होगा कि हमको इसको देना है। ये तो सपा के जिला अध्यक्ष रहे ये। अरे तब बोल रहे हैं कि इलेक्शन आने दीजिए। इलेक्शन आने दीजिए, अभी तो पता नहीं। इसका मतलब सपा में नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, पहले थे। तो अब नहीं है? नहीं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, कौन कह रहा है? कौन पार्टी ज्वाइन? नगर अध्यक्ष। अच्छा, नगर कौन पार्टी ज्वाइन किया? अभी कोई पार्टी नहीं। किस में जाना है? नहीं, अभी कोई है ही नहीं। रावण नहीं, बसपा मायावती नहीं, बसपा भी नहीं। MIM उसी में। हाँ, उसी में जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? यूथ में क्रेज है असदुद्दीन ओवैसी को, यूथ में क्रेज है। देखिए पीछे हम पूछेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? मैं जानते ना ये कौन है, ये देखिए तो जानते ही नहीं आप। आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? जब से श्री सरदार आई है हर आदमी परेशान है, रूपदार भी खत्म है, हिल्ले भी खत्म है, परेशान है हर चीज पे, महंगाई दर्दी है, आदमी हिले से परेशान है हर चीज से। इसी मुलायम सिंह सरदार युद्ध था, आज भी अपनी रोजी रोटी से, अपने हिला से रोजी रोटी चला रहा था। इससे आने के बाद हर आदमी परेशान हो गया। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, अखिलेश जी। अखिलेश, अखिलेश जी सरदार है। असदुद्दीन ओवैसी कहा जा रहा है भाजपा के एजेंट है, पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं। क्या भाजपा के साथ कभी गठबंधन किया ओवैसी साहब ने? नहीं किया। बोलिए तो साक्षी है सामने। नहीं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोलने दिए। अपना अपना मत है जिसको वोट दे। कोई वैसी के है, कोई बसपा का है, कोई भाजपा का है, वैसी को पसंद करते हैं। खैर अपनी अपनी विचारधारा है, जिसको जो वैसी तो गलत आ रहा है, इधर नहीं है। नहीं, वो संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये मत बोलिए कि गलत है। ये ठीक है। देखो बंगाल में इसको काले झंडे दिखाए, वहां इनका हेलीकॉप्टर उतरने दिया था, जब ही तो वहाँ सरकार बनी ममता बनर्जी की। बिहार में पहुंचे, बिहार में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों कर दिया? कि पता है सबको कि बीजेपी का पक्का आदमी है। आप ये देखिए कारोबार में तलोच पड़ावा के लोग बाग भूखे पे हैं, भूखी स्थिति पे आ चुके हैं। अब ये देखिए आप, पनियों में तेल भर भर के रखा, 200 रुपए किलो तेल बिका, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो के तेल 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो बेचे। मालदार कौन हो आप बनिए लोग? महंगाई है, महंगाई है फुल। सरकार मानने को तैयार नहीं है? नहीं, महंगाई फुल, महंगाई है फुल, महंगाई। कुछ लोग बोल रहे हैं हम 200 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी खरीदेंगे, 500 लीटर जिनका पैसा, वो गरीब मजदूर क्या करेगा, क्या खाएगा बेचारा। इनसे हैवी हैवी जो लीडर है ओवैसी से, वे लीडर जेल में नहीं पड़े हैं? पड़े नहीं पड़े, क्यों नहीं पड़े, क्यों पड़े? बीजेपी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ बोले, वे नहीं बोले, वे जेल में नहीं पड़े हैं। अब ये बोल रहा है तो इसको पता नहीं, पब्लिक को पता नहीं कि बीजेपी का आदमी है ये, कैसे भी बोल रहा है, इसको कुछ नहीं कर रही सरकार। ये देखो आप, कोई आया था? अच्छा, क्या हुआ नहीं, बल्कि 2022 में चुनाव होने वाला है ना। अच्छा, तो किधर है? मुसलमानों से क्यों क्या पूछते हो? मुसलमान का वजूद है कहाँ? क्यों? अरे संवैधानिक अधिकार है, वोट ले लेते हैं, वोट के बाद वो कोई नहीं पूछता। कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कितने मुसलमान परेशान है, आज तक किसी ने पूछा? तुम भी आज आए, चुनाव से पहले आ गए,
क्या है जी मुसलमान का बताओ भाई, जब किसी की बम लिंची होती है जब वहां पे तो जाया करो कम से कम कि मुसलमान क्यों मर रहा है। अब मुसलमान का क्या है बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ ना कि मुसलमान कहाँ देख रहे हैं अपने आप को। अभी अभी क्या बताए, चुनाव से पहले क्यों बता दें हम तुम्हें कहाँ है, जब वक्त आएगा बताएंगे हम कहाँ है। अच्छा वक्त आने पे बताएंगे, सीधी सीधी बात है। अब हम तुमसे बता दें तो पहले ही उसका इंतजाम हो जाएगा। अच्छा उससे पहले इंतजाम हो जाएगा, उससे पहले इंतजाम हो जाएगा क्या, जैसे जो ताकतवर आदमी है जिनके हाथ में सारी सत्ता है वो पहले मुसलमान का इंतजाम कर देंगे अगर हम पहले बता देंगे कहाँ है। ये तो वक्त आने पर बताएंगे हम क्या होगा। तो ये मुरादनगर विधानसभा है और रावली रोड है और मुरादनगर, अब देखते हैं कि किसकी मुराद पूरी होती है 2022 में। इनका मत है कि हम बसपा को सपा को वोट देंगे, यानी अखिलेश यादव से इनकी ये समर्थक हैं और अखिलेश को ही सत्ता में लाना चाहते हैं, लेकिन वो 2022 का चुनाव वही रिजल्ट का वो निर्धारित करेगा कि कौन सत्ता में आएगा, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा 2022 तक। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हम उत्तर प्रदेश के लगभग हर विधानसभा कवर करेंगे और हर विधानसभा की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये गाजियाबाद है और जिला गाजियाबाद का ये मुरादनगर विधानसभा है और मुरादनगर विधानसभा का ये रावली रोड है जहाँ से हम लोग ये स्टोरी कर रहे हैं।